स्वागत है आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन की आज भी हमने जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, दंत चिकित्सक मरीज के दांतों पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक मरीज के दांतों पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। इसके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, विमान दर्पण और बेलनाकार दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब दांतों के बीच की दरारें या दांत की मरम्मत कर रहे होते हैं जब दंत चिकित्सक, तो दांत की बड़ी इमेज की ज़रूरत होती है और अवतल दर्पण यही कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेरिलियम की परमाणु संख्या क्या है? बेरिलियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों, यहाँ हम अगर बेरिलियम की बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है और यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिक में ही पाया जाता है। और यहाँ बेरिलियम की परमाणु संख्या है वह है 4 और इसका सिंबल है Be, बेरिलियम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कील या केरिना किसमें नहीं पाया जाता? दोस्तों, सभी पक्षियों में कील नहीं होती, कुछ न उड़ने वाले पक्षियों में कील की संरचना नहीं होती और यह जो संरचना है यह शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। अच्छा, हम पक्षी शरीर की संरचना में कील या केरिना की बात करें तो पक्षी शरीर की संरचना में कील या केरिना स्टर्म का विस्तार होता है। कील एक एंकर प्रदान करता है पक्षी शरीर संरचना में, जिसमें एक पक्षी की पंख की मांसपेशियां जुड़ी होती है जो उनके उड़ने के लिए लाभप्रद होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? इसके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, रिजु रेखा संरचना, ऑप्शन डी विवर्तन। दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह तब घटित होती है जब एक खगोलीय वस्तु अस्थायी रूप से किसी पिंड की छाया में दरकिनार करती है। जैसे अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें, जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पिंड या चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। वैसे ही अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में किसी पिंड के आने पर चंद्र ग्रहण होता है। तो यह सब ऋजु रेखा संरचना की परिघटना के कारण लगते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोस्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार यानी बेस एक पदार्थ है जो एक खालिस्तान है, एक प्रोटॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दोस्तों, ब्रॉस्टेड और लोरी एक दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1923 में अम्ल और क्षार को समझने के लिए प्रोटॉन विनिमयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसी सिद्धांत को ब्रॉस्टेड लोरी सिद्धांत नाम दिया गया, ब्रॉस्टेड लोरी सिद्धांत। अब ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार क्षार को समझे तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो बिलियन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात क्षार प्रोटॉन ग्राही या प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों के ध्वनि बॉक्स को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्निक्स, ऑप्शन बी फाइगोस्टाइल, ऑप्शन सी साइंसक्रेम, ऑप्शन डी साइरिंग्स। दोस्तों, साइरिंग्स पक्षियों के स्वर अंग है जो पक्षियों की श्वास नली के आधार पर स्थित होते हैं। ये स्तनधारियों के स्वर तहों के बिना आवाज पैदा कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श रूप से अति चालकता का अर्थ खालिस्तान है? दोस्तों, अति चालकता की हम बात करें तो अति चालकता बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध और कुछ सामग्रियों में होने वाले चुंबकीय प्रभाव क्षेत्रों के निष्कासन की एक घटना है।
जिसे अतिचालकता कहते हैं। तो आदर्श रूप से अतिचालकता किसी प्रतिरोध की धारा है, किसी भी प्रतिरोध की धारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, पॉपिंग साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है? इसमें इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। दोस्तों पॉपिंग साउंड, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जो कि हवा के साथ विस्फोट, जो कि हवा के साथ मिलने पर एक विस्फोटक का निर्माण करती है। अगर हम हाइड्रोजन को खुले में छोड़ दिया जाए तो एक विस्फोटक बनाती है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब जलती है तो छोटे छोटे विस्फोट उत्पन्न होते हैं, जो कि पॉप ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा, पॉपिंग साउंड कौन सी गैस के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है, तो वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकी नहीं है? अगर हम एक कशेरुकी की बात करें तो बे जानवर जिसमें एक रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंतर्गत जैसे स्तनधारी, मछली, पक्षी, उभयचर और परिसरप आते हैं जिनमें एक रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ एम्फीऑक्सस, ऑप्शन ए एम्फीऑक्सस की बात करें तो एक इसे लॉसलेट्स भी कहते हैं, लॉन्सलेट्स। ये छोटे समुद्री जानवर होते हैं जो कि गर्म स्थानों पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यह शीतोष्ण जल पर कम पाए जाते हैं। इनमें एक कोशिका नहीं होती। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्फीऑक्सस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है? दोस्तों श्रवण सीमा उन आवृत्तियों की श्रेणी का वर्णन कराती है जिन्हें मनुष्य या जानवरों द्वारा सुना जाता है। अब मानव रेंज आमतौर पर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो हम मानव श्रव्य की आवृत्ति सीमा की बात करें तो वह होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज़, और यह हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग पाउडर द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है जो बटर को नरम बनाता है? दोस्तों जब बेकिंग पाउडर को पानी और आटे के साथ घोल में मिलाया जाता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, और यह उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड बटर को स्पंजी और मुलायम बनाता है जिससे बटर नरम होता है। मतलब अगर बेकिंग सोडा को हम पानी और आटे के घोल में मिलाएं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है जिससे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों के लिए युवा अवस्था की उम्र क्या होती है? दोस्तों युवा अवस्था किशोर अवस्था के प्रारंभिक वर्ष हैं जो कि मानव में शारीरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। हम पुरुषों में यौवन अवस्था की बात करें तो यह 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच होती है। पुरुषों में जो युवा अवस्था की बात होती है बात करें तो यह 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच होती है, और महिलाओं में पुरुषों से 1-2 वर्ष पहले होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? दोस्तों अधिकांश फोटोवोल्टिक अनुप्रयोग में विकिरण सूरज की रोशनी है, और उपकरणों को सौर सेल कहा जाता है। सौर ऊर्जा से संचालित फोटोवोल्टिक पैनल सूर्य से प्रकाश के प्रोटॉन का उपयोग करके सिलिकॉन कोशिकाओं में रोमांचक इलेक्ट्रॉनों द्वारा सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित करते हैं। तो जो सौर की कोशिका होती है वह प्रकाश वोल्टी के सिद्धांत पर कार्य करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सभी उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में सत्य नहीं है? सबसे पहले तो हम यहाँ उत्कृष्ट गैस समझ लेते हैं, उत्कृष्ट गैस क्या होती है। तो उत्कृष्ट गैस यह आवर्त सारणी के वर्ग 18 में उपस्थित एक रासायनिक तत्व है। ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में अधिकांत अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और ये अन्य तत्वों से बहुत कम अभिक्रिया करते हैं क्योंकि अत्यधिक स्थायी होते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, वे प्रकृति और गैर धात्विक होते हैं। बिल्कुल सही है, जो उत्कृष्ट गैसें हैं वे प्रकृति और गैर धात्विक होती हैं। ऑप्शन बी, वे परमाणु रूप में मौजूद होती हैं। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, वे प्रकृति में रेडियोधर्मी होते हैं। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, वे प्रकृति में रेडियोधर्मी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों का निर्माण करता है? फलों के निर्माण की बात करें तो फल पौधों में बीज वहन करने वाली एक संरचना है जो फूल आने के बाद अंडाशय बनाती है और अंडाशय बड़े होने के बाद फल रूप में विकसित होने लगते हैं जो कि बीज बनने लगते हैं। तो अंडाशय एक ऐसी प्रक्रिया है जो फलों का निर्माण करती है। तो सही आंसर होगा इसमें आप यहाँ पर ऑप्शन सी, अंडाशय। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 15 जनरल साइंस के प्रश्न। धन्यवाद।